हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर जीनियस ऑफ होम्योपैथी, हु इज कैरल वन बोइंगोसेन। बैरन क्लेमेंस मैरिया फ्रेंड्स कैरल वन बोइंगोसेन वन ऑफ द नोटवर्दी पर्सन्स हैं हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी में। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने इस प्रोफेशन को बहुत लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ावा दिया है। उनका जन्म नीदरलैंड्स में हुआ था March 12th of 1785 में। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑफकोर्स एक रॉयल फैमिली थी तो वो एक ग्रेट रिस्पेक्ट और ऑनर था उनका सोसाइटी में। उन्होंने अपनी डिग्री ऑफ जूरीज यानी लॉयर की डिग्री 30th August 1806 में पाई थी एंड वॉज अपॉइंटेड एज द लॉयर एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ड्यूरेंटीज। Being a versatile genius, he soon became the chief auditor in the court of Louis Napoleon. Later, he was appointed as the royal librarian and chief of the topographical bureau from where he resigned in the year 1810. In 1812, he married and went to stay at a family estate at Western Prussia, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को इंगेज कर लिया था पढ़ाई में, आर्किटेक्चर और बॉटनी की पढ़ाई में। वो प्रोविनिकल कोर्ट ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट थे, जिसकी वजह से उन्हें थ्रू आउट द कंट्री घूमना पड़ता था एंड स्टडी करना पड़ता था प्लांट्स को, हर्ब्स को ऑफ डिफरेंट एरियाज लाइक रेनलैंड एंड वेस्टफेलिया। ही वॉज ऑल्सो द डायरेक्टर, वो ऑल्सो डायरेक्टर थे बॉटनिकल गार्डन ऑफ मुंस्टर के। लेटर ईयर्स ही बिकेम द जनरल कमिश्नर ऑफ लैंड्स। कन्वर्जन टू होम्योपैथी, वो होम्योपैथी में कैसे आए। 1828 में बोइंगोसेन को अटैक किया था ट्यूबरक्यूलोसिस ने और एंड द डिजीज सीम टू बी इनक्यूरेबल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस ठीक हो पाएगा। उन्होंने आउट ऑफ डिस्कस्ट बहुत ही बेकार मन से बोइंगोसेन ने अपने एक फ्रेंड को, जिनका नाम डॉक्टर वे था, डॉक्टर वी एमडी थे और उनके बोटैनिकल फ्रेंड थे उन्होंने और फर्स्ट होम्योपैथिक फिजिशियन थे रेनलैंड के एंड वेस्टफेलिया के, उन्होंने उन्हें एक लेटर लिखा। फिर डॉक्टर वीही ने इंट्रोड्यूस किया बोइंगोसेन को न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को। उन्होंने प्रिस्क्राइब की बोइंगोसेन को पल्सेटिला एज अ रेमेडी। बोइंगोसेन इम्प्रूव हुए स्लोली बट इन इम्प्रेसिव मैनर, जिसकी वजह से ही गॉट इंटरेस्टेड इन होम्योपैथी। उन्होंने थोरो रिसर्च की, स्टडी की लिटरेचर ऑफ होम्योपैथी को इन डेप्थ में। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मेडिकल सोसाइटी ऑफ मुंस्टर, बट जो डोमिनेंट मेडिकल स्कूल था वो बहरा था अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ होम्योपैथी बाय बोइंगोसेन। बट कुछ सीनियर फिजिशियंस थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया होम्योपैथी में और वो फेथफुल रहे हमेशा के लिए होम्योपैथी से। बोइंगोसेन ने होम्योपैथी से कई सारे केसेस को, जो कि इनक्योरेबल थे, उन्हें क्योर किया सक्सेसफुली, जिससे उस टाइम के फिजिशियंस, बहुत सारे फिजिशियंस इन्फ्लुएंस हुए थे। 1830 में बोइंगोसेन क्लोज एसोसिएशन में आए हैनीमन से एंड हमेशा उनके फॉलोअर रहे थ्रू आउट हिज लाइफ। बोइंगोसेन के 7 बेटे थे, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड बिकेम होम्योपैथ्स। हिज फर्स्ट सन हु वाज प्रैक्टिसिंग इन पेरिस मैरिड द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ हैनीमन्स विडो। ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टे विद मैडम मिलनी एंड हैड्स एक्सेस टू हैनीमन्स लिटरेचर एंड लाइब्रेरी। बोइंगोसेन's fame started spreading the entire Europe and even reached America. Ultimately, on the 11th of July, the year 1843, King Frederick Wilhelm IV gave him the right to practice by a cabinet order. Bengusen enrolled himself in all the homeopathic societies. He became a member of Western Homeopathic Medical College in the year 1854. In the year 1861, he was awarded the honor of knight. He took his last breath on 26th January 1864 at the age of 79 years. Now let's learn about his contributions to homeopathy. Cure of cholera and its prevention came in the year 1831. Repertory of antisoric medicines with preface by Hahnemann, 1832. Summary view of the chief's fair of operation of the antisoric remedies in 1833. An attempt at a homeopathic therapeutics of intermittent fever, 1833. Contribution to the knowledge of peculiarities of homeopathic remedies, 1833. Homeopathic diet and complete image of the disease, 1833.
होम्योपैथी अ मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक 1834, रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक 1835, बॉइंग हुसैन पब्लिश द थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक इन द ईयर ऑफ 1836, एन अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन 1836, थेरेप्यूटिक मैनुअल फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियंस फॉर यूज एट सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ द मटीरिया मेडिका प्यूरा 1846, ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस टू द नॉन फिजिशियंस एज टू द प्रिवेंशन क्योर ऑफ द कोलेरा 1849, द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप्स होम्योपैथिक स्टडीज 1853, द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन इन ब्रीफ थेरेप्यूटिक डायग्नोसिस एंड अटेम्प्ट 1853, द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स 1860, अफोरिजम्स ऑफ हिपोक्रेट्स विद नोट्स बाय अ होम्योपैथ 1863, हिज थ्योरी ऑफ कॉनकॉमिटेंट्स ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड हिज लैटिन फॉर्मूला ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम्स इज हाईली क्रिटिसाइज्ड सब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथी. He was considered as one of the pioneers to prepare the reliable homeopathic repertory. No one except Henneman had contributed such original writings like Boing Hussein.